नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीवन दर्पण मन की बात में। टीना राठौड़ और पीआरजी की टीम की तरफ से जितना सहयोग और जितना स्नेह आपने हमारे इस कार्यक्रम को दिया है, हमेशा ऐसे ही देते रहिएगा। हमारे वीडियोस देखते रहिएगा और अपने अपडेट्स कमेंट्स के जरिए हमें देते रहिएगा हमारे सारे वीडियोस पर। इसी कड़ी में हमारे बीच मौजूद है हास्य कला में बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बनाने वाले राजस्थान के पंकज जी शर्मा। आइए जानते हैं उनके मन की बात। पंकज जी, आपका पीआरजी स्टूडियो में बेहद स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने परिवार, पढ़ाई और जन्म स्थान के बारे में बताएं। जन्म स्थान तो मैडम ऐसा है कि जोधपुर में हुआ है मेरा जी, जोधपुर के मंडोर में जी। और वैसे गाँव मेरा भरतपुर है जो की राजस्थान का मेन द्वार भरतपुर। और पापा शुरू से यहीं पे जॉब करते हैं। वैसे मेरे पापा टीचर हैं, स्कूल चलाते हैं जी। तो पापा यहीं से शुरू से आए हुए हैं, तो इस हिसाब से हम भी जोधपुर में ही और जोधपुर में बस गए जी। और रही बात पढ़ाई की, तो मैं बीएससी फाइनल ईयर, वैसे साइंस का स्टूडेंट हूँ। लोग विश्वास तो नहीं करते मेरे ऊपर। हाँ, लगते नहीं है आप। हाँ, मैं बीएससी फाइनल ईयर जोधपुर से ऐश्वर्या कॉलेज से पढ़ता हूँ। और परिवार के अंदर मम्मी पापा भैया भाभी, एक छोटा भाई है, वो भी मेरे हिसाब से लगता है कि शायद मेरे से भी अच्छी कॉमेडी 2 साल बाद कर पाएगा। 2 साल बाद कर पाएगा। हाँ, यानी अभी वो मेरे से थोड़ा छोटा है। अच्छा। हाँ, वो लोग कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि ये तेरे से अभी आगे जाने वाला है। तो और मेरे को भी लगता है कि हाँ, शायद वो मेरे, मैं अगर इस लाइन में अगर अच्छी लाइन पकड़ लूंगा तो उसको भी इसी लाइन में लेके आऊंगा। बहुत बढ़िया। तो आपका ये कॉमेडी लाइन में आना कैसे हुआ? जैसे जनरली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का सपना होता है, मुझे हीरो बनना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे शायर बनना है, आप कॉमेडी आर्टिस्ट कैसे बन गए? मैडम ऐसा है कि फर्स्ट बात तो खून में ही कॉमेडी है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को हंसाता हूँ। तो मोहल्ले के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कहीं भी जाता हूँ फ्रेंड सर्किल के साथ, पार्टी वगैरह में जाता हूँ तो फ्रेंडों को हंसाने में बहुत मजा आता है मेरे को। वैसे मैं शुरू से स्कूलों में ये जो 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम होते हैं ना, इनके अंदर बहुत यूँ नाटक वगैरह करना, एंकरिंग भी करना। वैसे आपसे अच्छा एंकर नहीं हूँ, बट हाँ मैडम फिर भी मैं कर लेता हूँ अच्छी एंकरिंग। और मारवाड़ी जॉक्स वगैरह सुनाना, मिमिक्री करना और जॉक वगैरह सुनाना, किसी की एक्टिंग करना अच्छे से कर लेता था। तो मैडम ऐसा हुआ था, फिर अभी साल भर पहले मैंने सोचा था कि यार ये सब YouTube पे बहुत से लोग देखते हैं, क्यों ना मैं भी YouTube पे आऊँ। तो मैडम साल भर से सोच रहा था केवल जी, लेकिन आया नहीं जा रहा था कुछ टाइम की वजह से। कुछ ये भी सोचा था क्या पता कुछ खर्चा हो, और राजस्थानी आदमी हैं, जोधपुर के हैं तो खर्चे से थोड़ा डरते हैं वैसे। तो इस वजह से सोचा खर्चा हो, इस वजह से नहीं आए। फिर जब मैंने अपना खुद का कैमरा था मेरे पास छोटा सा, तो फिर मैंने कहा अपने पास कैमरा भी है DSLR, तो खुद का वीडियो खुद ही बनवाते हैं। मेरे फ्रेंड ने मेरा शूट किया, मैंने अपना वीडियो बनाया। तो मैंने सोचा अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाएंगे और यूट्यूब पे डालेंगे। धीरे धीरे साल भर 2 साल लगेंगे, अच्छा लोग मुझ को जानने लग जाएंगे, अच्छे वीडियोस देखेंगे। जब मैंने जिससे एडिटिंग करवाई थी तो उन्होंने मेरे को बोला यार तेरा अच्छा है वीडियो, मैंने एडिटिंग भी किया है, क्यों ना तू मेरे फ्रेंड का चैनल है उस पर उतार। और मेरे जो मोहल्ले के फ्रेंड थे ना, दोस्त थे, वो मेरे को कहते थे कि तू पीआरजी चैनल से कनेक्ट हो जा। मैंने कहा ये क्या है कि पीआरजी चैनल यूट्यूब का राजस्थान का नंबर 1 चैनल है। मैंने कहा यार राजस्थान का नंबर 1 चैनल मेरे को क्यों लेगा, माने तो जोधपुर वाला जिले जो कोई गणो। मैंने सोचा चलो ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है जी। तो मैडम फिर मैंने उसको, जो जिसने मेरी एडिटिंग की था, किया था वीडियो, मैंने उसको कहा था, उसी ने मेरे को बताया था कि मैंने उसको बोला था, मैंने पीआरजी में चला जाऊं, तो उन्होंने बोला ठीक है अगर पीआरजी वाले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैंने कहा आपका चैनल तो है ही है, और अगर आप भी नहीं लेते तो मैं अपना खुद का चैनल बनाऊंगा। हाँ। तो बस मैं मैडम पीआरजी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। फिर पीआरजी ऑफिस गया, वहाँ पे पीआरजी के डायरेक्टर सज्जन सिंह जी सर मिले मेरे को, तो मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी सर को नहीं जानता था, केवल नाम जानता था कि सज्जन सिंह जी सर जो पीआरजी के डायरेक्टर हैं। तो ऑफिस के अंदर एंटर हुआ, मैंने सर से पूछा सर सज्जन सिंह जी सर आप ही हो, तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा सर एक वीडियो है जो आपके चैनल पे छड़ाना चाहता हूँ। तो क्या हाँ बताइए कैसा चैनल है। सर ने मेरा वीडियो देखा, लगभग फर्स्ट वीडियो 5-6 मिनट का ही था, तो
8 बजे का टाइम था रात को, सर ने मेरा वीडियो देखा तो मैं सर को देख रहा था कि मेरा वीडियो देख के सर कितना खुश हो रहे हैं, रिएक्शन हाँ, उनका रिएक्शन देख रहा था। तो सर धीरे धीरे हंस रहे थे, मैं उनके ऊपर खड़ा था तो मैं देख रहा था सर के गाल ऐसे हो रहे थे, तो मैंने सोचा हाँ सर को भी हंसी आ रही है जी। लगता है हमारा चांस बन सकता है। तो हमने PRG में सर ने बोल दिया कि आपका वीडियो अपलोड कर देंगे जी। और मैं वहीं बैठ गया, तो वहीं बैठ गया तो उन्होंने बोला आप बैठो हम आपका वीडियो अपलोड करते हैं। मैंने ठीक है, मेरा वीडियो पंकज शर्मा नाम से अपलोड हो गया। उस वीडियो के ऊपर मैंने अपने नंबर लिख रखे थे, फर्स्ट वीडियो के ऊपर अपने नंबर दे रखे थे। तो मैडम वो नंबर दे रखे थे, वीडियो भी अपलोड कर दिया। 8 बजे के बाद मेरे पास मैडम कम से कम 200 से 250 लोगों के फ़ोन आ गए। क्या बात कर रहे हैं। और लोगों ने मेरे को इतना चाहा, मेरे मिलने वालों ने मेरे को बहुत यानी कुछ ज़्यादा ही ऊपर चढ़ा दिया। फिर ये बात मैंने अपने पापा को बताई। वैसे मैं नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं नहीं मानता था, मैंने सोचा क्या पता पापा सपोर्ट करें या नहीं करें। मैंने कहा पापा ये PRG चैनल है और मैंने अपना वीडियो इस पर अपलोड किया है। तो के पापा ने कहा ठीक है, रात को तो इतनी बात हुई थी, सुबह जब टीचर हैं कुछ तो बोल दिया कि कलाकार बना दूला 2 दिन रे मायने, नहीं तो हमार पढ़न लाग देते। यूट्यूब ने मार गोली और तू पढ़न लाग गया। फिर सोचा कि ठीक है पापा से बात इतना नहीं करूँगा, पापा को पता भी नहीं चलेगा कॉलेज जाते हैं तो उस टाइम वीडियो। फिर सज्जन सिंह जी सर ने मेरे को बोला कि आपका वीडियो हम खुद शूट करेंगे। तब मैंने भी अपने आप को अंदर फील किया कि हाँ कुछ तो आगे बढ़ा हूँ, एक कदम तो आगे लगाए। मैडम आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 17-18 जिलों से फ़ोन आ चुके थे जी। 17-18 जिलों से फ़ोन आ चुके थे। मेरे फैंस ने मेरे को ये बोला कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छी एक्टिंग वगैरह जो भी बोला। फिर मैंने अपना दूसरा तीसरा वीडियो और अपलोड करवाया, अपलोड हुआ PRG पे, बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा, बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा। तो फिर सर ने कहा कुछ ऐसा करो, यानी बोल कर तो यूँ है हर कोई तो नहीं बोल पाता, बट फिर भी आप ऐसा जैसे जोक्स वगैरह सुनाते हो ना, इसके इससे हटके करो कुछ। तो मैंने सर ने मेरे को शॉर्ट मूवी का बोला कि शॉर्ट मूवी करते हैं पंकज जी। मैंने कहा ठीक है सर शॉर्ट मूवी करते हैं। तो मैंने खुद की अपनी एक स्क्रिप्ट, ये जो नौकर वाली स्क्रिप्ट आई थी, मैंने अपनी खुद की स्क्रिप्ट सर को ले जाकर बताई। सर को बहुत अच्छी लगी वो स्क्रिप्ट। तो फिर सर ने बोला ठीक है पंकज जी आप ये स्क्रिप्ट कर लो। फिर मैंने ये शॉर्ट मूवी कर ली। शॉर्ट मूवी करने के बाद अच्छा रिस्पांस मिलने लगा, मेरे पास फ़ोन आने लगे। मैडम 2 महीने हुए मेरे को, मैंने 3 से 4 लाइव प्रोग्राम भी कर लिए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 3 से 4 लाइव प्रोग्राम भी कर लिए हैं, बट फैमिली का सपोर्ट नहीं लगने लगा था। जब मैं फैमिली को यानी कुछ बातें बताता भी नहीं था, भैया भाभी ने भी मेरे को सपोर्ट किया। मेरे भैया भाभी हैं वो बोलते थे हाँ बहुत अच्छा है। शायद राजस्थान में बहुत से लोग ऐसे भी थे मैडम जिन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि आप मत जाइए, क्या कॉमेडी करता है, ये कोई बात होती है क्या, राजस्थान में कोई पॉपुलर नहीं होने वाला, तू ऐसा कर पढ़ाई पे ध्यान दे या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। बट मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, बिंदास आदमी हूँ मैडम, दूसरा सुनता सब क्यों करता मन क्यों। तो ऐसे करके नहीं मैडम मैंने अपने वीडियोज़ डालता गया PRG के ऊपर, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता गया। और अब तो मैडम मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत कुछ ज़्यादा ही फैन हो गए मेरे, जो पंकज या सोनी, मेरा निकनेम सोनी है जी जी। तो घर वाले कभी कभी सोनी को चिड़ा के मारवाड़ में सोनिया भी कहते हैं। हाँ ट्रेंड है हमारे राजस्थान में। सोनिया भी कहते हैं तो सोनिया नाम से भी बुलाते हैं मेरे को, तो निकनेम सोनी। तो फिर सोनी मोहल्ले के अंदर लोग सोनी कहते थे, लेकिन अब जब मैं मोहल्ले से बाहर निकलता हूँ तो लोग मेरे को पंकज शर्मा बोलते हैं या पंकज शर्मा PRG। और अच्छा लगता होगा। अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फेसबुक पे अच्छे सारे फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेज आते हैं भैया आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हो वगैरह वगैरह। दूसरा इंस्टा फॉलोवर्स, फेसबुक फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो अपने आप को मन में कलाकार फीलिंग कलाकार वाली आने लग गई। फिर उसके बाद जब आपके वीडियोस आने लगे, फिर आप कॉलेज गए, तो आपके टीचर ने फिर नहीं बोला कि कलाकार निकाल दूंगा पढ़ाई कर ले? नहीं मैम, टीचर्स तो ऐसा है, टीचर्स को तो इतना वो नहीं है अभी वीडियोस का, क्योंकि अभी 10 वीडियोज आए हैं। तो फ्रेंड सर्किल जितना भी है कॉलेज का, वो सब मेरे को खूब सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा, वो मेरे सारे वीडियोस शेयर करते हैं, वो मेरे को फोनों पे बातें भी करवाते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है। तो फ्रेंड सर्किल अच्छा है मेरा कुल मिला। बहुत बढ़िया। अच्छा आपको यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? एक आदमी को, किसी को क्रेडिट देना हो तो वो क्रेडिट किन्हें देंगे आप?
ऐसा है मैडम, एक आदमी को तो क्रेडिट का वो है ही नहीं, क्योंकि मेरे खुद के मन के अंदर ही ये था कि मैं यूट्यूब के ऊपर जाऊँ, और जिससे भी राय लेता था तो वो यही बोलता था कि हाँ शायद पीआरजी चैनल वाले तेरे को ले ले मैं, या पीआरजी चैनल से ऐड हो जा तू। तो फिर मैंने ऐसे करके किसी ने एड्रेस बताया था सर का, और सर का एड्रेस सर के ऑफिस पहुंच गया, पीआरजी ऑफिस। जब सर को भी अपना वीडियो बताया, सर बहुत खुश हुए थे, और सर ने मेरा आगे शूट किया। ऐसे करके अब सर के साथ ही काम करने का मौका मिला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बात तो डायरेक्टर सर को जिन्होंने आज मुझे पंकज से पंकज शर्मा पीआरजी बना दिया 2 महीने के अंदर, वो भी बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको आगे मौका मिले जाने का और कॉमेडी सेक्टर या किसी एक सिंसियर सब्जेक्ट पे काम करने का मौका मिले, तो आप कॉमेडी को ही चूज करेंगे या आपका बेसिक मोटिव एक्टर बनना है? नहीं मैम, मैं कॉमेडी को नहीं छोड़ सकता। एक्टर भी बन गया तो उसमें भी कॉमेडी, मतलब मेरे को केवल कॉमेडी से प्यार है, और मैं केवल टू केवल कॉमेडी, खून में कॉमेडी है वो समझ लो, अपना तो डीएनए कॉमेडी कॉमेडी कहता है जी। तो हम कुछ सुनना चाहेंगे फिर आप मारवाड़ी में। हाँ ऑब्वियसली। तो एक बार कहीं गए पापा ने, मैं कह पापा मैं बहुत अच्छो गाया करूँ, बहुत ही बढ़िया भजन गाया करूँ। तो पापा के घर पे बहुत यानी अपनी तारीफ कर दी मैंने, पापा के हाल एक दिन हाथ है। मैं कह पापा मैं बहुत अच्छा गाया करूँ, बहुत बड़ा बड़ा कलाकार आयोड़ा हमारे साथ है, बहुत बड़ा बड़ा सिंगर प्रकाश माली मोइनुद्दीन मंचला साहब एड़ा एड़ा मोटा मोटा कलाकार आयोड़ा, मैंने बहुत बढ़िया गाया करूँ। ठीक है, गया भजन कीर्तन में बैठ गया, भजन गा रहा था, भजन वो होते ना वो पेटी बोलते हैं मारवाड़ी में, तो पेटी लेके बैठ गया। पेटी में जो वो बजाने वाला होता, मैंने एक ही पॉइंट दबाया और पूरा भजन गा दिया, पूरा भजन गा दिया एक ही पॉइंट दबा कर। तो प्रकाश जी माली और मोइनुद्दीन जी मंचला साहब हैं, उन्होंने पूरा वो पेटी बजा के भजन गाया, पूरा पेटी बजाया भजन गाया। तो पापा कहे पंकज जी यार तू कहीं करियो, तू तो एक बटन दबान पूरा भजन गाए दियो, और वे प्रकाश जी माली और वे मोइनुद्दीन मंचला साहब आया जो पूरी पेटी बजान भजन गायो। मैं क्यों पिताजी व्यान सुर कौन ला दिया, मैंने एक सुर ला तो मैं पूरा भजन गाए दियो, बे सुर होता रहेगा। मजाक की बात है, प्लीज हमारे सम्माननीय सिंगर इस जोक को किसी दूसरी तरीके से न ले। मैं सिंगरों का तो बहुत, वैसे मैडम ऐसा है कलाकारों से बहुत प्यार करता हूँ और इज्जत भी बहुत करता हूँ, और आपका भी मैडम बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, ट्विंकल जी का और नितिन जी गहलोत का। वैसे कभी जब प्रोग्राम हुआ करते थे तो प्रकाश जी माली जैसे प्रोग्राम है तो मैं खुद जाया करता था, यानी यार प्रोग्राम है तो वहाँ जाना देखने के लिए। अब मैं लोगों से बोलता हूँ कि यार मैं कलाकारों से मिलने जाता था तेल जला के अपनी बाइक का, लेकिन अब तो क्या है, अब तो मेरे को कलाकार मिलते हैं। और अभी भी आरडीसी का फंक्शन हुआ था रायपुर के अंदर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था वहाँ पे, तो सर की वजह से मैं भी वहाँ पे रायपुर में अच्छा मेरे को सम्मान मिला वहाँ पे, और आरडीसी के मालिक ने भी मेरे को, आरडीसी के डायरेक्टर सर हैं उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छा सम्मान दिया। कैसा लगता है आपको जब आप सारे कलाकारों को मंच पे देखते थे और आप उसी मंच को उनके साथ में साझा कर रहे हैं, तो कैसा लगता है, अंदर से कैसे फीलिंग है? मैडम बहुत अच्छा लगता है जब, एक तो मैडम हर कोई स्टेज पे नहीं चढ़ सकता, जैसा मैंने सोचा कि हाँ यार क्या होगा अगर स्टेज पे चढ़ूंगा तो जो 30-40 लोगों के सामने भी पसीने छूट जाते हैं स्टेज पे चढ़ने पर, और रायपुर में तो शायद 40-50 हज़ार आदमियों से भी ज़्यादा थे, तो फिर भी मैंने हिम्मत की और चढ़ा वहाँ पे स्टेज पर, सर ने मौका दिया मेरे को और अच्छा, बहुत ही अच्छा बोला मैंने। और मैडम वैसे मैंने लाइव प्रोग्राम कर रखे हैं बहुत से जी, कहाँ कहाँ पे? ये आपकी कॉमेडी के सारे कॉमेडी के मैडम बनाड़ में, जोधपुर में बनाड़ में, और पाली साइड भी किया हुआ है, एक जेतारण गाँव है मैडम जी, हाँ जेतारण में, वैसे स्कूलों में भी बहुत किए हुए हैं कॉमेडी, यानी यूट्यूब पे आने के बाद मैंने कम से कम 5-7 प्रोग्राम लाइव कर दिए। अच्छा, आपके अपने कॉलेज में आपको कभी नहीं बोलते कि अरे यार तू तो कॉमेडी करता है ना, सुना ना कुछ, ऐसे ऐसे नहीं होता? बहुत से फ्रेंड है और मैं सुनाता रहता हूँ फ्रेंडों को, जब फ्रेंड मिलते हैं तो कहीं साथ बैठे रहते हैं तो बोलते हैं हाँ एक जोक तो बनता है, एक जोक बनता है, तो ठीक है एक दो जोक सुनाता हूँ, और चाहता हूँ जितने नए से नया कॉमेडी, यानी वो मैंने आपको बताया ना मैडम जैसे कॉमेडी खून के अंदर है तो वो सारा निकलता रहता है अपने अंदर अच्छा, कभी ऐसे नहीं होता जैसे
जब भी हमने ये इंटरव्यू शुरू किया था तो आप बोल रहे थे, तो हम आपका चेहरा देख के अपने आप हमारे फेस पे स्माइल आ रही थी, पता नहीं उसका कारण क्या? बहुत से लोग बोलते हैं मैडम के यार थने तो देख नहीं रही, थने बोलने की जरूरत नहीं है, थने तो देखते ही हंसी आ जावे। मैं कार्टून लगूं के नहीं यार, जब तू सामने आवे तो तारा सारा वीडियो सामने आ जावे जी और मैंने हंसी आ जावे जी। यही पूछना चाह रहे थे हम एक्चुअली कि कोई ऐसे नहीं मिलते होंगे आपको जैसे कि आपने पहले जवाब दे दिया बहुत ज्यादा ऐसा प्रैक्टिकली हमने महसूस किया है अभी कि आप बात कर रहे थे और हम अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे, कारण पता नहीं क्या हो सकता है उसका, बट आपका चेहरा बहुत हंसमुख है, जॉली, एक जॉलीनेस होती है वो दिखती है। बहुत बढ़िया, घर में भी ऐसे ही फील करते हैं सारे लोग कि आप आए और वो हंसना शुरू हो गए? नहीं मैम ऐसा नहीं होता, वैसे जब मैं घर में रहता हूँ ना, जैसे पापा नहीं रहते घर में तो सब खुशी, पापा आ जाते हैं घर में थोड़ा सा यानी वो जो मामला डिगमगा जाता है तो फिर थोड़ा कम हंसने को मिलता है, बाकी मैं अपने मम्मा को और भैया भाभी को छोटे वाले भाई से मजाक वगैरह करके बहुत हंसाता रहता हूँ, उनको भी पड़ोसियों को बहुत हंसाता रहता हूँ, गली मोहल्ले के सब लड़कों को लेडीजों को वगैरह सबको हंसाता रहता हूँ। वैसे बहुत बढ़िया, आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? आदर्श वैसे मैं अपने पापा को ही मानता हूँ क्योंकि मेरे पापा ने जो कुछ भी आज मैं हम हैं यहाँ पे, पापा मैडम गांव से निकल कर आए थे, पढ़ाई की थी तो आज स्कूल चला रहे हैं पापा मेरे, और वैसे आदर्श मानता हूँ पापा को इसलिए क्योंकि अगर उन्होंने उस टाइम हमें हमें चार्ज नहीं किया होता, मतलब मेरे पापा मेरे को बहुत मारते थे, बहुत अच्छी वाली मार पड़ती थी, तो अगर उस टाइम हमें चार्ज नहीं किया होता तो ये चार्जर अभी तक नहीं चलता, और ये चार्जर अभी तक चल रहा है, और मेरे हिसाब से उस जब चार्ज हुआ था ना बचपन में वो चार्जर ही अभी काम आ रहा है, तो थैंक यू पापा, मतलब पापा ने सपोर्ट किया जी। आपके पसंदीदा कॉमेडी कलाकार कौन है? कॉमेडी कलाकार तो वैसे नहीं, बट मैं गोविंदा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि गोविंदा जी एक ऐसे एक्टर हैं जो कॉमेडी भी अच्छी करते हैं, एक्टिंग भी अच्छी करते हैं और डांस भी अच्छा करते हैं, ये तीनों खूबियाँ मेरे अंदर भी हैं मैडम, मैं मारवाड़ी डांस भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ वैसे। अच्छा, आगे जाके जैसे आपने कहा कि आप डांस भी अच्छा कर लेते हैं और कभी मौका मिला डांस में कुछ आजमाने का तो आप कोशिश करेंगे या नहीं? हाँ मैडम, डांस जैसे मारवाड़ी डांस, मेरा डांस भी कॉमेडी की तरह ही होता है, जैसे कि लोग बहुत अच्छा देखते हैं जब मैं डांस करता हूँ तो लोग सपोर्ट अच्छा करते हैं। जी बहुत बढ़िया, आपने जो बात करी वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से करी, आपके पसंदीदा हास्य कलाकार का अगर कहा जाए तो गोविंदा जी से आप इंस्पायर होते हैं, सभी इंस्पायर होते हैं उनसे। अगर राजस्थानी कलाकारों में बात की जाए, हमारे राजस्थान में भी बहुत सारे हास्य कलाकार हुए हैं, तो उनमें से अगर पूछा जाए तो आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? उनमें से अगर मैडम पूछा जाए तो मैं वैसे सभी राजस्थानी कलाकारों को बहुत दिल से प्यार करता हूँ, यानी उनकी सबकी इज्जत करता हूँ क्योंकि मैडम मेरे को पता है कि ना मैडम इसमें बहुत मेहनत लगती है, मैडम आप भी हो तो आप भी बहुत, मैं आपके सारे वीडियोस वगैरह देखता हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये मेरे से ज़्यादा नहीं जानता कोई, क्योंकि मैंने भी शूटिंग्स की है बहुत, और जैसे मैं वीडियोस वगैरह देखता था तो ये सोचता था यार ये जैसा डायलॉग बोल रहा वैसा तो मैं भी बोल सकता था, मेरे को भी ले लेते, लेकिन फिर जब यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसा कोई पर्सनल वो तो नहीं है बट फिर भी राजस्थानी कलाकार ऑल ऑफ यू मेरे सारे पसंद। हाँ जी, तो एक ये सवाल हम पूछना चाहेंगे उसका, हम ये नहीं कहना चाहते कि वही आपके पसंदीदा कलाकार है, जस्ट फॉर नॉलेज एक सवाल हमारा ये है कि आपने राजस्थान में से सबसे पहला कॉमेडी वीडियो किनका देखा था, कौन से ऐसे कलाकार थे जिनको आपने देखा और आप इंस्पायर हुए कि मुझे भी यूट्यूब पे डालना चाहिए अपना कॉमेडी? मैडम मैं अच्छी मारवाड़ी बोल लेता हूँ, तो मैं मारवाड़ी कॉमेडियों को नहीं देखता जितना हिंदी कॉमेडी जी, जॉनी लीवर जी, हिंदी कॉमेडीज में जॉनी लीवर, और वैसे जो मैडम राजू श्रीवास्तव, हाँ जी इनकी कॉमेडी आप पसंद करते थे? जैसे मूवी के अंदर जो मैडम एक्टिंग वगैरह होती थी, मैं वो अगर खुद पर्सनल अगर मूवी देखता था अकेला रूम के अंदर तो मैं उनकी एक्टिंग करके देखता था और अच्छी एक्टिंग भी कर लेता था। बहुत बढ़िया, किसी कलाकार को कॉपी करते हैं आप, सीनियर कलाकार जो भी हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से? जी वैसे देखा जाए तो मैं सबका थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे आपका बेसिक नेचर है वो वही है, कॉमेडी कलाकार है, तो
आपके निजी जिंदगी से कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई है जिनमें लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में इसे तो कॉमेडी कलाकार ही होना चाहिए? मैडम ऐसा है, जब मैं साइकिल अभी छोड़ी है मैंने शायद 2 साल पहले, तो मैं जब साइकिल चलाता था 12th तक मैं साइकिल पे ही स्कूल आना जाना होता था मेरा। होली स्पीड स्कूल है मैडम जोधपुर के अंदर ही, वहाँ से मैंने 12th की। तो मैडम साइकिल के पीछे मैंने एक प्लेट लटका रखी थी अपनी, लोहे की प्लेट थी, उस पर लिखवा रखा था मैंने कई देखे। अच्छा। मारवाड़ी में लिखवाया हुआ था कई देखे। हाँ। नहीं, जब मैं साइकिल चलाता था तो लोग पीछे देखते थे तो हंसते थे। हाँ। एक बार लिखवाया था कई देखे, और एक बार लिखवाया था आ तो यूं जा लेला। हाँ। और एक बार लिखवाया था मायने पड़ी कई। तो मैडम हाँ, यानी साइकिल के पीछे ये लिखवा कर तो जब मेरी साइकिल को लोग देखते थे तो हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आती थी, तो मैं खुश होता था कि हाँ मेरी वजह से कोई हंस पा रहा है। जी, कहीं ना कहीं आपके जहन में एक कॉमेडी जो कंसेप्ट है वो, जैसा मैडम मैंने बोला ना आपको, DNA कॉमेडी। बहुत खूब, DNA में कॉमेडी है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया पंकज जी। हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे और बहुत बड़े हास्य कलाकार बने और राजस्थान का नाम रोशन करें। थैंक यू मैडम जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप पीआर जी के स्टूडियो में पधारे। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हास्य कलाकार पंकज जी शर्मा हम सभी के बीच, जिन्होंने बहुत कम समय में एक पहचान बनाई। इसी तरीके से राजस्थान की जानी मानी हस्तियों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन दर्पण मन की बात। तब तक बने रहिए टीना राठौड़ और पीआर जी की टीम के साथ। नमस्कार।